हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल, क्लास 11 मैथमेटिक्स, टर्म 2 का चैप्टर नंबर 7 आई हैव स्टार्टेड। दिस इज एक्सरसाइज 7.2। तो इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 7.2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, लास्ट टाइम में हमने सिर्फ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, बट व्हाट आर एक्चुअली परम्यूटेशन, कि परम्यूटेशन एक्चुअली होता क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया। जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इसको किस नाम से बुलाएंगे स्टूडेंट्स, पी एंड सी नाम से आप इस चैप्टर को बुलाएंगे। ओके, कि दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज परम्यूटेशन, अब इसमें परम्यूटेशन क्या होता है, अगर मैं परम्यूटेशन की बात करूं तो परम्यूटेशन में एक हम डेफिनेट ऑर्डर लेके चलते हैं किसी भी चीज को जमाने का, लेकिन कॉम्बिनेशन में जो है वो ऑर्डर नॉट मैटर्स। लेकिन इन परम्यूटेशन ऑर्डर जो है वो क्या करता है, मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स। ओके, ये बेसिक डिफरेंस होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। जहाँ किसी चीज का ऑर्डर मैटर करता है उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन, और जहाँ किसी चीज का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उन चीजों को जमाने के जो तरीके होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सो डेफिनेशन देखते हैं परम्यूटेशन की। ये परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर। परम्यूटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है। ओके, इन्हीं चीजों को मैं जमा रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन में हमने आर ओ एस ई, इन चार वर्ड्स को यूज करके मैंने कितने लेटर्स बन सकते हैं, तो वो एक अरेंजमेंट था ना, कि भाई पहले ओ आएगा, फिर एस, फिर आर, फिर ई, तो ये एक अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से हो सकता है कि मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को उठा के कॉम्बिनेशन बनाऊँ, या फिर वो परम्यूटेशन बनाऊँ, सॉरी, या फिर हो सकता है मैं कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को उठा के कॉम्बिनेशन बनाऊँ। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरे पास मैथमेटिक्स में 10 डिजिट्स है। ओके, अब इन 10 डिजिट से मैं चाहूँ तो मैं 2 डिजिट नंबर भी बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं 3 डिजिट नंबर भी बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं 4 डिजिट नंबर भी बना सकती हूँ। इनफैक्ट यूजिंग दीज 10 डिजिट्स ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन मेक इनफाइनाइट नंबर्स, है ना, मतलब 10 लाख डिजिट्स तक के नंबर बन सकते हैं यूजिंग दिस। तो लेकिन अब ये मेरे पे डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स ऑन मी और ऑन द एग्जामिनर, देखो अपने से कितने क्वेश्चंस मांगता है, ठीक है। अगर वो मेरे से 2 डिजिट के नंबर मांगता है तो मैं यहाँ से कितने ऑब्जेक्ट्स उठाऊंगी, कोई नहीं, तो भाई 9 में से 2 उठाऊंगी। तो इसीलिए ये यहाँ पे कहते हैं कि परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है डेफिनेट ऑर्डर में, मतलब एक ऑर्डर फिक्स रहता है ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। या तो आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को लो एक टाइम पे, या फिर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को लो किसी एक टाइम। ओके, नाउ द टॉपिक कम्स दैट परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो परम्यूटेशन हम कब बना रहे हैं, जब सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। तो इसके वापस दो केस होते हैं, तो फर्स्ट केस है वो ये है, थ्योरम नंबर 1, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आप कितने ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हो एक बार में, आप आर ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हो, जहाँ पे आर जो है वो 0 से एन के बीच में है, एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। तो फर्स्ट केस होता है दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो सेकंड केस है दैट वन इज रिपीटेशन अलाउड, वो हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट द फर्स्ट केस इज दैट द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम वेयर आर इज फ्रॉम 0 टू एन एंड ऑब्जेक्ट्स Do not repeat is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus r plus 1। जैसे मैं रोज की बात करूं तो यहाँ पे ये चार है, यानी मेरे n कितना था 4, इन चार से मेरे उसने कहा था इन चारों को उठा के मुझे टेस्ट बनाना है, तो इस केस में मेरा r भी 4 था, और इसमें भी क्या था कि जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। तो पहली केस के लिए मेरे पास कितना
है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एन कितना है और आपकी आर की वैल्यू कितनी है. तो इसीलिए ये होता है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर का सा वन, जिसको हम बोलते हैं एन पी आर. नाउ एन पी आर का जो फॉर्मूला है ये हम फर्दर देखेंगे. ओके, इसके लिए एन पी आर के फैक्टर अभी तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन से कर रहे हैं ना डायरेक्ट इस तरह से कि कैसे होगा ये आर इक्वल्स टू फोर के लिए ये केस है, थ्री के लिए ये केस है और आर इक्वल्स टू टू के लिए ये वाला केस है. अब फैक्टोरियल नोटेशन आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको एन पी आर का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना है. तो नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन. फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, वन है तो उसको मैं लिखूंगी वन फैक्टोरियल, दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल. वन इंटू टू को मैं लिखूंगी टू फैक्टोरियल. वन इंटू टू इंटू थ्री को मैं लिखूंगी थ्री फैक्टोरियल. वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर को मैं कितना लिखूंगी स्टूडेंट फोर फैक्टोरियल. इसी तरह से अगर ये मेरा चलता जा रहा है सपोज वन इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन इंटू एट, जो भी लास्ट में नंबर आएगा ये क्या हो जाएगा उसका एट फैक्टोरियल हो जाएगा. तो बेसिकली फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा, फैक्टोरियल नोटेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को जो भी वो नंबर है. सपोज मेरा नंबर है मान लो सेवन फैक्टोरियल है तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, उल्टा सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इस टाइप से करेंगे, समझने के लिए हम इसको इस तरह से समझेंगे ना, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल. जीरो फैक्टोरियल हमेशा कितना होता है, वन होता है. ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वैसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो जीरो से या तो वो वैल्यू कितनी आती है जीरो, लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, इट इज जीरो फैक्टोरियल ओनली. क्लियर है. तो इस तरह से अगर मेरे को कोई भी एन गिवन है, कोई भी एन गिवन है, कोई भी एन नंबर है एंड माइंड दैट द फैक्टोरियल नोटेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, है ना. जो फैक्टोरियल नोटेशन हम डिफाइन करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन हम किसके लिए डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, वी विल डिफाइन इट ओनली एंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर. अदर देन इसके लिए हम फैक्टोरियल नोटेशन नहीं डिफाइन करेंगे. नाउ व्हाट इज एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल क्या होगा, मेरे पास एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल. देन एन माइनस वन फैक्टोरियल इसको मैं और भी बोल सकती हूँ एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल. सपोज मेरे को फाइव फैक्टोरियल बोलना है तो उसको मैं क्या लिखूंगी फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, सबसे पहले ऐसे. फिर फोर फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल. देन फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू थ्री को बोलेंगे थ्री इंटू, बिकॉज फोर फैक्टोरियल क्या होता है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. अब वन इंटू टू इंटू थ्री, देखो यहाँ से वन इंटू थ्री इंटू टू इंटू इसको मैं क्या लिख सकती हूँ थ्री फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी. तो इस वजह से ये हो गया फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन फैक्टोरियल. इस वजह से फाइव फैक्टोरियल हमारा कैसे बनता है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन की फॉर्म. इस तरह से अगर कोई भी मेरे पास एन फैक्टोरियल गिवन है तो उसको मैं क्या बोलूँगी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन, ये चलता जाता है. लास्ट में क्या आएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन. लास्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए थ्री इंटू टू इंटू वन, लास्ट में क्या आएगा थ्री इंटू टू इंटू वन. तो यहाँ तक जो अभी हमने बात की है ये हमने परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन की एक थ्योरम करी है हमने और उससे रिलेटेड जो फैक्टोरियल नोटेशन है जो कि हमारे एन पी आर को डिस्कवर करने के काम आएगी उसकी मैंने बात करी है. अब इससे रिलेटेड ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी विद सॉल्यूशंस कि हम इसको कैसे करेंगे. तब तक आप ये परम्यूटेशन और फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज न्यू पिक्चर फॉर ऑल ऑफ यू. सो अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.